हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीसी वेरियर गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने किसी भी न्यू अकाउंट को कैसे सुपरसेल से लॉगिन कर लें, जिससे हमारा अकाउंट जो है वो सेव हो जाए और हम जब चाहे तब उसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्लैश ऑफ क्लैंस अनइंस्टॉल भी हो गया गलती से, तो फिर हम सुपरसेल आईडी का यूज करके फिर से उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो जो है वो क्लैश ऑफ क्लैंस के सभी प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके न्यू प्लेयर्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो सेटिंग टाइप का दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डिसकनेक्टेड दिखा रहा होगा आपको दो जगह, एक है गूगल प्ले साइन इन और दूसरा है नॉर्मल डिसकनेक्टेड। अगर आपको सुपरसेल से लॉगिन करना है तो ऊपर वाले डिसकनेक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको नॉर्मल बस जीमेल से लॉगिन करना है तो आपको नीचे वाले डिसकनेक्ट पे क्लिक करके वहाँ से लॉगिन करना है। लेकिन हम सुपरसेल से लॉगिन करने वाले हैं, इसलिए हम ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिसकनेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा, आपको बस लॉगिन और रजिस्टर का दो ऑप्शन मिलने वाला है। मैंने मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन किए इसलिए मुझको ऐसा दिखा रहा है। आप में बस ये जो नीचे वाले दो ऑप्शन है वो दिखाई देंगे, तो हमें रजिस्टर पर क्लिक कर देना है जिससे कि हम अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकें। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमें ईमेल डालने के लिए बोलेगा, हमें वही ईमेल यहाँ पे डालना है जिस ईमेल से हम अपने अकाउंट को सेव करना चाहते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस अकाउंट को। और नीचे वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है अगर आप चाहते हैं कि आपके जीमेल पे जो है वो न्यूज और अपडेट्स के रिलेटेड सुपर सेल मैसेज करे। आपको दोनों जगह सेम ईमेल पुट करना है जिससे कि ये जो टिक का ऑप्शन है वो दिखाने लगेगा ग्रीन कलर का। फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे आपके इसी वाले ईमेल पे 6 अंक का कोड जाएगा जिसको आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके लिए हम जैसे जीमेल में जाएंगे हमें कुछ इस तरह का कोड देखने को मिलेगा, जो ऊपर वाले दिख रहा है ये सुपर सेल ने कोड भेजा है, इसको आपको याद करना है और जाके यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस में वही सेम कोड को पुट कर देना है और पुट करके आपको सबमिट कर देना है। बस आपका सुपर सेल आईडी से लॉग इन हो जाएगा, यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमें सुपर सेल आईडी अपना अलग से एक नाम सेव करने के लिए देगा, जैसा कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा था वैसे दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी सेव कर सकते हैं, आप सेम नेम भी सेव कर सकते हैं जो कि आपने क्लैश ऑफ क्लैंस में लिखा है, और दूसरा भी आप जो चाहें। फिर आपके लिए अवतार देगा जिससे कि आप अपने इस अकाउंट को पहचान सके। अगर आप मल्टीपल अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अलग अलग अकाउंट पे हमेशा अलग अलग अवतार चूज करिए जिससे कि आपके अकाउंट को ढूंढने में कठिनाई ना हो। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली सुपरसेल से लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको कुछ इस तरह का शो करेगा, अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शन है, उनको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हम इसको कट करेंगे हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसकनेक्टेड की जगह कनेक्टेड दिखाने लगा है, इसका मतलब हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली सुपरसेल आईडी से लॉगिन हो चुका है। अब हम जब चाहे तब अपने गेम में फिर से वापस आ सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारा क्लैश ऑफ क्लैंस गलती से अनइंस्टॉल भी हो गया तब भी। जैसे हमारा आईडी जो है वो सुपरसेल से लॉगिन हो जाएगा तो हमें 50 जेम मिलने वाला है, तो इनको क्लेम कर लेना है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे सुपरसेल आईडी से लॉगिन करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छे टॉपिक के साथ।